अरे वाह, कैसे होगा हमारा बसर दोस्तों, अजनबी है बहते सहर दोस्तों, जिनके हाथों में होगा हुनर दोस्तों, वो बनाएंगे पानी में घर दोस्तों, वो बनाए पानी में घर दोस्तों। आपके उत्साह वर्धन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करते हैं लेकिन कार्यक्रम को मैं क्रियान्वित करता हूं कि नहीं, प्रधानाचार्य महोदय इस पर मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्तियां जमाने लगी बेटियां। ये पंक्तियां माननीय प्रधानाचार्य महोदय, घर में बटा के हाथ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। प्रश्न यह जलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। तो आज बेटियां बेटों से कम नहीं है, लेकिन मैं अपने छात्रों की तरफ उत्साहवर्धन हित कहना चाहता हूं कि आप युवा हैं, देश की बागडोर और देश की समस्त रक्षा का दायित्व आपके ऊपर आता है, क्योंकि किसी मुख्य अतिथि का उद्बोधन क्रमबद्धता से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसकी कोई बहुत बड़ी सार्थकता नहीं होती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब रावण का अत्याचार अपने चरमोत्कर्ष पे था प्रधानाचार्य महोदय, तो हमारे और आपकी उम्र के नहीं, इनके उम्र के राम ने रावण की आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया। और जब कंस का अत्याचार अपने चरमोत्कर्ष पे था माननीय दिवाकराध्यक्ष महोदय, तो हमारे और आपकी उम्र के नहीं, इनके उम्र के किशोर कृष्ण ने कंस की आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया। और मैं जानता हूं पूरे विश्व के इतिहास में जब पौरुष और पराक्रम की बात आती है तो वीर अभिमन्यु ही याद किया जाता है जिसने चक्रव्यूह तोड़ने का काम किया। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, समयाभाव था, लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने बड़े भाई, हमारे हर कार्यक्रमों में हर समयों में उपस्थित रहने वाले, इनका एक आदेश हुआ, मैंने आपके आदेश को स्वीकार करते हुए मैं आपके कार्यक्रम में पहुंचा। मैं अपने सभी क्लास 10 और 11 के बच्चों को मैं एक बार पुनः अपने तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप आगे बढ़ें और अपनी मंजिलों को हासिल करें। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि आप मुझे लग रहा भूख भी लगी है, बात कम सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कि आपने धैर्यता के साथ अपने कार्यों को संपन्न किया। इन्हीं सब बातों के साथ अपने समस्त अध्यापक बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बातें को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।